ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। रुख कर रहे हैं खरगोन की ओर, जहां से खबर है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होने लगी हैं। पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए मतदाताओं को कई तरह की सौगातें देने की घोषणाएं तक किए जा रही हैं। इसी के चलते शनिवार को कांग्रेस ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें विधायक रवि जोशी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने पर किसान हितैषी 5 योजनाएं लागू की जाएंगी, जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक के स्थायी एवं अस्थायी पंप की बिजली निःशुल्क दी जाएगी, प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, किसानों पर लगाए गए झूठे मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे, किसानों को उपयोग के पुराने बिजली बिलों के बकाया राशि माफ करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। पीसी के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष पूर्णा ठाकुर आदि मौजूद रहे। किसानों के वचन पत्रों में 5 सौगातें हम लाए हैं, 5 हाउस पावर तक की बिजली फ्री है, कर्ज माफी है, पुराने बिजली के बिल जो किसानों पे लाखों रुपए इस सरकार ने थोप दिए थे वो बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों पे रहा जो भी आपराधिक प्रकरण, किसान अपनी बात रखने के लिए अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए गया हो और उस पर अगर कोई प्रकरण दर्ज हुआ तो ऐसे प्रकरणों की वापसी कराएंगे। इस तरीके की 5 सौगातें हमने किसानों को दी है। किसानी के साथ साथ किसान के साथ साथ ये सौगातें किसान और किसानी से जुड़ी हुई हैं, जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वचन पत्र तैयार हो रहा है, उस वचन पत्र में 5 सौगात हम लेते हैं। कठोर नियमों को सरलीकरण करेंगे, लेकिन जब 15 महीने में कांग्रेस की सरकार थी, प्राकृतिक आपदा आई थी, तो लाखों रुपए एक एक किसान को हमने मुआवजा दिया था, उन्हीं नियमों के तहत अभी वही नियम है। ये सरकार देना नहीं चाहती, सरकार की मंशा देने की नहीं है। कांग्रेस की सरकार आएगी, प्राकृतिक आपदाओं में अगर कहीं ऐसा लगता है कि नियम कठोर है तो उसको सरलीकरण करेंगे और लाखों रुपए का मुआवजा अगर बनता लाखों रुपए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।